हेलो, क्या बात है, आज तो आप बड़े जबरदस्त मूड में। आपको मेरी तारीफ के अलावा कुछ और नहीं समझ आता? अब अच्छी हो तो तारीफ तो करूंगा। इतना तो जानती होगी मेरे बारे में फिर कि मैं एक सच्चा और हकीकत पसंद आदमी, इसीलिए तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। कितना अच्छा है ना ये फार्म हाउस, काफी पीसफुल है। हाँ, ऐसा करेंगे हम लोग ना, घर भी ऐसी जगह पे बनाएंगे हम लोग, क्या ख्याल है? अरे रुको, तो अरे शुक्र है हंसी तो। तुम यहां बैठे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि ये पिकनिक तुमने प्लान किया यासिर। अच्छा। एक्चुअली ना तुम बहुत बदल गए हो। तुम भी। तुम उसे जॉब करने के लिए कह रही थी ना, मैंने बहुत सोचा, इंसान अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से बहुत कुछ कर रहा है और दूसरों को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो अपनी पाबंदियां आप पर लागू करें। तुम जॉब कर सकती हो। लेकिन मैं जॉब करना नहीं चाहती। क्यों? क्या सर, माशाल्लाह मेरा घर है, एक प्यारी सी बच्ची है, तुम हो, इतनी जिम्मेदारियां बहुत है, मुझे और कुछ नहीं संभाल। और तुम्हारा जो अलग घर रहने का मुतालबा था वो कैंसिल। रियली? चिप्स खाओ। इधर आओ। आदिल, हम एक दूसरे से कभी भी कोई बात छुपाते नहीं हैं। मैंने हमेशा अपने दिल की बात आपसे शेयर की है। हमारे बीच एक ट्रस्ट का रिश्ता है। तो एक्चुअली मैंने आपसे एक बात करनी थी। कोई खास बात है क्या? वो सब घर वालों ने मुझे मना किया था आपको बताने से, लेकिन ऐसी क्या बात है सारा? वो जब आप यहाँ नहीं थे ना, तो मैंने अम्मा से झगड़ा किया था, उनसे बहुत बदतमीजी की थी। असल में हालात कुछ ऐसे थे और आप भी कब से गए हुए थे कि मैं, खैर उसके बाद वो बहुत बीमार पड़ गई और हॉस्पिटल भी पहुंच गए। मैंने बहुत दुआएं की उनकी सेहत के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, फिर वो ठीक हो गई। लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मेरे साथ इतनी अच्छी हैं और मैं आपसे ये बात छुपाना नहीं चाहती थी। कभी भी आपको पता चल जाता तो आपकी नज़रों में भी गिर जाती और अपनी भी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं। मामा, बाबा, वहाँ पे सब लोग आपको बुला रहे हैं, वो लोग आँख मचोली खेल रहे हैं। बस एक मिनट। वही नहीं, अभी है। Thank you.
जैसा लग रहा है। बचपन में ना हम इसी मिट्टी से खिलौने बनाते थे। हाँ, मैंने एक फिल्म में देखा था। बच्चों खाना लग गया है, आ जाओ जल्दी से। चलो चलो उठो, मेरा तुम्हें सिर्फ बनने वाला है।